संडे फंडे थोड़ा थोड़ा है ना। कोई बात नहीं, जब हमारा टारगेट नीट में अच्छा रिजल्ट लाना है तो संडे हो या मंडे रोज हमारा होना चाहिए स्टडी। सही बात है ना, एक एक दिन का यूज करना है और मैक्सिमम अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, राइट। और जहां जहां टाइम मिले उसका अच्छे से यूज करना है, राइट। सो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 13, फोटोसिंथेसिस। वी नो दैट दैट मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लाइट रिएक्शन इन विच फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन विच इज नोन एज अ कैल्विन साइकिल, एंड इन कैल्विन साइकिल दैट शुगर फॉर्मेशन अकर्स। तो आई थिंक इट्स एकदम फंडा क्लियर कि इन डार्क रिएक्शन दैट फॉर्मेशन ऑफ शुगर अकर। नाउ एक्चुअली एज वी नो इन केमियोस्मोटिक थियरी दैट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हाउ अकर्स, दैट इज एक्सप्लेन बाय केमियोस्मोटिक। देन वी हैव सीन सी4 पाथवे विच अकर्स इन ट्रॉपिकल प्लांट लाइक मेज, शुगर केन, एंड इन सी4 इट ऑल्सो इन्वॉल्व सी3। देखो सी3 प्लांट्स का मेन एम है शुगर फॉर्मेशन, राइट। एंड सी3 एंड सी4 बोथ कैन अकर साइमल्टेनियसली। जो सी4 प्लांट्स में उसमें सी4 पाथ भी होता है और सी3 पाथ भी होता है, राइट। ओके देन नाउ टुडे यू विल सी दैट न्यू वन, फोटो रेस्पिरेशन। एक्चुअली बोलने जाऊं ना तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकती हूँ कि यार दिस इज वेस्टफुल प्रोसेस, हमारे लिए इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। बट एक्चुअली आई डोंट थिंक सो इट्स वेस्टफुल प्रोसेस। इन लोगों ने वेस्टफुल इसीलिए बोला है कि भी इसमें एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, एनएडीपी प्रोडक्शन नहीं होता, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई दे कॉल इट इज अ वेस्टफुल प्रोडक्ट। बट एक्चुअली व्हाई फोटो रिस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर व्हेन देयर इज हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लेस CO2। अब जब लाइट इंटेंसिटी हाई है एंड लेस CO2 इन सच कंडीशन दैट केल्विन साइकिल विल नॉट अकर, बिकॉज एज देर इज लो CO, लेस CO2, CO2 नहीं है तो केल्विन साइकिल विल नॉट अकर। सो एट दैट टाइम फोटो ऑक्सीडेशन विल अकर। नाउ एक्चुअली फोटो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स, फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड इन सच कंडीशन दैट C2 पाथवे दैट इज फोटो रेस्पिरेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एग्जैक्टली हाउ दैट C2 पाथवे इज इम्पॉर्टेंट, राइट। बुक वाले ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई है, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि भाई जब भी लाइट इंटेंसिटी हाई हो तो केल्विन साइकिल नहीं होगा, जब केल्विन साइकिल नहीं होगा तो जो लाइट है, लाइट क्या करेगा,
लाइट तो नवरा है, और जैसे गुजराती में कहावत ही है नवरो नखो द्वार है, मतलब कि जो फ्री है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेगा, राइट। तो ये जैसे आप लोग फ्री होते तो आप क्या गड़बड़ी करते हो, अगर लेक्चर नहीं होते तो गेम खेलते हो, तो गड़बड़ी हो गई ना। सेम वे यहाँ पे जब ये एक्सेस लाइट होती है तो ये लाइट क्या करती है, फोटो ऑक्सीडेशन करता है। किसका फोटो ऑक्सीडेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो इन सच कंडीशन दैट लाइट विल बी यूटिलाइज्ड इन सी टू पाथवे, दैट इज इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट फंडा क्लियर, व्हाई फोटो रेस्पिरेशन। नाउ सेकंड, इन फोटो रेस्पिरेशन थ्री ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सी पटेल मनीषा, सही बात है ना। सी पी एम, सी पटेल मनीषा, सीक्वेंस याद रखनी है। सी पी एम क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सी पटेल मनीषा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि भाई फोटो रेस्पिरेशन में कितने ऑर्गेनस इन्वॉल्व होते हैं, तो तीन, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली दैट एनवायरमेंट O2 रिएक्ट्स विथ RuBP विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड इट विल फॉर्म, एज वी नो दैट RuBP विच इज 5 कार्बन, सो इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल, मतलब कि 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन एंड 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन। दैट 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फो ग्लाइकोलेट एंड 3 कार्बन PGA, दिस PGA विल एंटर इन टू C3 पाथवे, केल्विन साइकिल, राइट। सो एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट्स वाई दिस पाथवे इज नोन एज अ C2 पाथवे। दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट बाय रिमूवल ऑफ फॉस्फेट इट इज कन्वर्टेड इन टू, अब फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोर चला गया तो क्या रहेगा, ग्लाइकोलेट, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलेट। ओके, नाउ दिस ग्लाइकोलेट विल एंटर इन टू पेरोक्सीजोम, देन इट इज कन्वर्टेड इन टू ग्लायोक्सिलेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज देन कन्वर्टेड इन टू ग्लाइसिन। ऑल आर वी ना 2 कार्बन कंपाउंड। Now this glycine will enter into mitochondria, glycine which is 2 carbon compound,
From glycine, actually, serine is formed, but serine is three carbon. Oh, madam, how it is possible? So it is possible. Here, decarboxylation occur. Oh, or problem. And reduction of serine, मतलब कि रिडक्शन ऑफ एनएडी अकर्स विच इज कन्वर्टेड इन टू एनएडीएच टू. एनएडी का रिडक्शन होके एनएडीएच टू बनता है. तो हमारी गाड़ी तो यहाँ पे ही अटक गई कि हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई टू कार्बन जो ग्लाइसिन है उसमें से सेरीन बने, कैसे पॉसिबल है. सो लिसन, एक्चुअली प्रोसेस अप टू हियर अकर्स टू टाइम्स. यहां से एक बार स्टार्ट हुई तो यहां तक रिएक्शन हुई, एक ग्लाइसिन मिला. अगेन दिस रिएक्शन अकर्स वन मोर टाइम, सो नाउ वी आर हैविंग टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ग्लाइसिन टू कार्बन प्लस ग्लाइसिन टू कार्बन, सो नाउ वी आर हैविंग फोर कार्बन. नाउ फ्रॉम दिस फोर कार्बन व्हाट अकर, दैट डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज वन CO2 इज रिमूव्ड एंड नाउ वी आर हैविंग थ्री कार्बन सेरीन. सो यू कैन से दैट टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन टू कार्बन कन्वर्टेड इंटू थ्री कार्बन सेरीन एंड वन CO2 इज रिमूव ड्यू टू डी कार्बोक्सीलेशन. क्लियर बच्चा लोग. बच्चा लोग क्लियर. एनी डाउट अप टू हियर, एनी डाउट. ओके, तो सिंपली यहां पे मैंने बोल दिया कि भाई व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, व्हेन फोटो रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट. सो व्हेन देयर इज High light intensity and low CO2, Kelvin will not occur, and that high light will cause photooxidation of chlorophyll, so that is degradation of chlorophyll. So in such conditions, C2 pathway plays important role. फिर मैंने बोल दिया कि भाई C2 pathway क्या है, तो उसमें तीन organelles होती है, chloroplast, peroxisome, mitochondria. RuBP oxygen के साथ unite होता है, right? और सबसे पहली जो product होती है वो 2-carbon phosphoglycolate. दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ C2 पाथवे. एक ये चीज याद रखनी है. सेकेंड चीज, मिलता है ग्लाइसिन, बट ग्लाइसिन टू कार्बन है, सो टू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं और तब जाके हमें मिलता है वन मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन. ये चीज सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की है. ओके, ये क्लियर. तो अब आपके लिए क्वेश्चन, यही कंडीशन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन यूनाइट एंड फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन. ठीक है, अब समझ लो कि मैं ये ग्लाइसिन, ये जो है, अगर मैं उसको 100% CO2 बताती हूं, सो प्लीज टेल मी हाउ मच CO2 इज वेस्टेड एंड हाउ मच CO2 इज रीफॉर्म्ड और री गेन्ड. हाउ मच CO2 इज वेस्टेड एंड हाउ मच परसेंटेज CO2 री गेन्ड. ग्लाइसिन 4 कार्बन, उसमें से 3 कार्बन सेराइन मिलता है एंड 1 CO2 इज डी कार्बोक्सिलेन. वेरी गुड देव, सुपर्ब, वेरी गुड, वेरी नाइस नुपुर, सुपर्ब, वेरी गुड, एग्जैक्टली.
अगर आप फोर कार्बन बोल रहे हो तो फोर कार्बन आपको 100% डिवाइड कर लो तो फोर कार्बन में से थ्री कार्बन मिल रहा है, मतलब कि 75% CO2 रिगेन होता है एंड 1 CO2 इज लॉस्ट, दैट मीन्स 25% CO2 इज वेस्टेड ड्यू टू डी कार्बोक्सीलेशन. वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी नाइस. चलो बस कहानी खत्म. नाउ सेरीन री एंटर इन टू पेरोक्सिज्म. देखो अब री लिखेंगे, पहली बार गया तो एंटर एंटर एंटर, अब सेकंड टाइम लिखेंगे तो री एंटर, राइट शुभ. सो सेरीन री एंटर इन टू पेरोक्सिज्म. सो दिस इज सेरीन, ड्यू टू सम रिएक्शन इट इज कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोक्सी पाइरुवेट राइट, विच इज कन्वर्टेड इन टू ग्लिसरेट. ड्यूरिंग दैट NADH इज कन्वर्टेड इन टू NAD, दैट हाइड्रोजन रिलीज इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी पाइरुवेट. दिस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इन टू ग्लिसरेट. नाउ दिस ग्लिसरेट री एंटर इन टू क्लोरोप्लास्ट. अगेन हियर इट इज कन्वर्टेड इन टू PgA विच विल एंटर इन टू केल्विन साइकिल. हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज यूज्ड. सो मैंने ये नीट के पर्पज से एक्स्ट्रा समझाया, ध्यान ये रखना है RuBPO2 के साथ यूनाइट होता है. समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई ग्लाइकोलेट कहाँ से कहाँ जाता है, ग्लाइसिन कहाँ से कहाँ जाता है, सेरीन कहाँ से कहाँ एंटर होता है, ग्लिसरेट कहाँ से कहाँ एंटर होता है. ये पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, ग्लाइसिन में से सराइन बनता है तो कितना CO2 वेस्ट होता है. और सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये कि कितना CO2 वेस्ट होता है, कितना CO2 रिगेन होता है. राइट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट. बस यहां से इतने क्वेश्चन पूछते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पटेल मनीषा, विच ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क फ्रॉम हियर एंड दिस इज एक्स्ट्रा. आपकी बुक में नहीं दिया है बट ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब तो समझ में आ गया कि भाई आजकल बोलबाला जैसे कोरोना की है वैसे ही बोलबाला है कौन से एंजाइम, रूबिस्को की. अब ये जो रूबिस्को है जॉइंट होता है RuBP, RuBP यूनाइट होता है किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को की प्रेजेंस में. अब ये रूबिस्को दो काम करता है, एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेशन और मे बी एक्ट एज अ ऑक्सीजनेशन. जब भी ये RuBP यूनाइट होगा CO2 के साथ तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, और अगर O2 के साथ यूनाइट हुआ तो हम बोलेंगे ऑक्सीजनेशन. अगर कार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बोक्सिलेशन के थ्रू हमें पता है भाई कार्बोक्सिलेशन को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल. तो जब भी कार्बोक्सिलेशन होता है तो हमें मिलती है जो प्रोडक्ट है वो है थ्री कार्बन फॉस्फो ग्लिसरेट PgA और अगेन RuBP वापस मिलता है. अब जैसे ऑक्सीजनेशन होता है तो O2 से क्या मिलता है, टू फॉस्फो ग्लाइकोलेट राइट. अच्छा हमारा चैप्टर नंबर 9 में आया था कि एंटायर बायोस्फीयर में जो मोस्ट डोमिनेंट एंजाइम है वो एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को रिब्युलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेस. बायोस्फीयर में मोस्ट डोमिनेंट सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एंजाइम रूबिस्को रिब्युलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेस. मैं यहाँ पे आपको ये समझाने जा रही हूं कि ये जो एंजाइम है वो ड्यूअल वर्क करता है. जैसे मैं भूखी हूं तो मुझे तो पानी पूरी भी चाहिए पिज्जा भी चाहिए राइट, बट मेरे घर पे ये ऑप्शन दिया है कि भाई का तो पानी पूरी मिलेगी या पिज्जा राइट, दोनों से मैं एक ही खिलाएंगे ना पेरेंट्स.
बट ये जिद्दी है, राइट? तो सेम वे, या फिर कोई ऐसा एंजाइम होगा जो O2 का फिक्सेशन करेगा या CO2 का फिक्सेशन करेगा, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये रूबिस्को के हटके है। क्यों उसको हटके बोला? क्योंकि विच एक्ट एज अ ड्यूअल फंक्शन, CO2 भी फिक्सेशन कर सकता है, O2 भी फिक्सेशन करता है। जो CO2 फिक्सेशन करता है हमने देख लिया वो कहाँ पे, केल्विन साइकिल में, और O2 फिक्सेशन करता है कहाँ, मैंने आपको आगे ही दिखा दिया, फोटो रेस्पिरेशन में, जहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट थ्रू फोटो रेस्पिरेशन क्या मिलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एंड क्या रिलीज होगा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। आया समझ में? मैंने ये रूबिस्को का कंट्रीब्यूशन दिखाया, और एंड में मैं बोलूंगी कि भाई ये रूबिस्को ऐसा है कि विच इज हैविंग हायर एफिनिटी टॉवर्ड CO2। आजकल के बच्चों को पिज्जा ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू पानी पूरी, राइट? समझ में आया? ठीक है, बबलू भाई कंपेयर में द पिज्जा ज्यादा पसंद है। तो जो रूबिस्को एंजाइम है विच कैन कंबाइन मोर टॉवर्ड CO2 देन O2, ठीक है? क्या समझ में आया, कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन के या फिर पिज्जा एंड पानी पूरी समझ में आया? आई थिंक ये समझ में आया होगा ना, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन वही आना चाहिए बच्चों। ठीक है, बच्चे पहचान ऐसा सोचते होंगे कि यार मैडम रोज पिज्जा पानी पूरी खाते हैं, बट यार मैं इसलिए याद करती हूँ कि मुझे एहसास हो जाए कि बस मैं खा रही हूँ, राइट? अदरवाइज आपको पता है कि भाई कोरोना के बाद तो ज्यादा से ज्यादा सलाड और फ्रूट्स खाना होता है, तो कम से कम उस बहाने हम याद तो कर ले, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? हम इसलिए याद कर रहे हैं कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने वो देखा था ना, मैंने कल ही वो सीरियल में देखा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो गोलू बोलू की टीम जो है उन्होंने छुप के पिज्जा खाया, राइट? और तारक मेहता के नाम पे लग गया कलंक कि भाई कोरोना की कंडीशन में उसने बाहर का खाया। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको भी मैं पिज्जा पानी पूरी याद करवा देती हूँ, बट बाहर का नहीं खाना है, कोरोना सीजन है भाई, ठीक है? ओके चलो, अब हमारी बुक के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, RuBP विथ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, भाई रूबिस्को का फुल फॉर्म समझ में आ गया ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। सो रूबिस्को इज द वीर, समझ में आ गया बेटा, मोस्ट एबुंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2। ये लोग तो बोल रहे हैं, मैंने तो आपको डिटेल में समझा दिया विथ डायग्राम कि भाई रूबीस को ड्यूअल फंक्शन कैसे करता है, तो मैंने तो आपको चार्ट के थ्रू बता दिया, सही बात है ना? हम तो उससे भी आगे हैं। ओके अच्छा, अगर रूबीस्को को ज्यादा प्यार होता CO2 से तो प्रॉब्लम हो जाती, क्यों? फिर तो कंपटीशन हो जाती दोनों के बीच में कि कौन सा पहले जॉइंट होगा, राइट? ओके नाउ नेक्स्ट, इन C3 प्लांट्स सम O2 डज बाइंड टू रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, सही बात है ना? अब जब CO2 आ जाएगा तो O2 कहाँ आएगा? अगर सिर्फ अकेली पानी पूरी खानी है तो 50 पानी पूरी खा सकते हो, पर अगर एक पिज्जा भी खा लिया, वो भी मार्गरेटा वाला पिज्जा
इटालियन पिज्जा, तो ऑब्वियसली आप 50 पानीपुरी नहीं खाओगे, फिर तो 20 ही पानीपुरी खाओगे, राइट? सेम वे अगर O2 के साथ बाइंड होता है तो फिर CO2 फिक्सेशन ऑब्वियसली ऑटोमेटिक डिक्रीज होने वाला है, सही बात है ना? नेचुरल चीज है यार, ऐसा ही होगा। सो हियर RuBP इज कन्वर्टेड, अच्छा RuBP बाइंड्स विथ O2 एंड फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ PgA विच एंटर्स इनटू केल्विन साइकिल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फो ग्लाइकोलेट एंटर्स इन अ पाथवे नोन एज अ फोटो रेस्पिरेशन, राइट? ये PG है, कितना कार्बन? 3 कार्बन, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन। ओके, इन फोटो रेस्पिरेशन नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP, ना ही ATP फॉर्मेशन हो रहा है ना ही शुगर फॉर्म्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, राइट? ठीक है, समझ में आया? तो देखो, ना ही शुगर फॉर्मेशन हो रहा है ना ही ATP फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? ओके, एंड क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है एंड आप बोल सकते हो कि नो NADPH2 फॉर्मेशन, सो इट्स वेस्टफुल प्रोसेस। देखो, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए हमने इसको निकम्मा बोल दिया, समझ में आया? हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हमें ना ही ATP मिल रहा है ना ही हमें NADPH2 मिल रहा है, बट CO2 निकल रहा है, राइट? ओके, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर्स। कोई मुझे बोल सकता है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। क्यों भाई यहां पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया? वेरी गुड, वेरी नाइस निसर्ग, दैट्स ड्यू टू क्रांस एनाटॉमी, करेक्ट, वेरी गुड, राइट? तो वहां पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वाई, कब होता है? दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द
bundle sheath cells to release CO2. So increasing intracellular concentration of CO2. समझ में आया? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, राइट? सो सिंपली वी कैन से दैट दैट रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मोर, राइट, एंड मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, राइट? मैक्सिमम एक्टिविटी कौन सी है? कार्बोक्सिलेज. तो मिनिमम कौन सी है? मिनिमम एज अ ऑक्सीजनेज. समझ में आया? मिनिमम एज अ ऑक्सीजनेज, क्लियर? तो ये हो गया हमारा C2 पाथवे. इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है, जो आगे का है वही रिवाइज करवाया है, ठीक है? चलो, ये तो समझ में आ गया हमारा. यहां तक सारे मेजोरिटी पाथवे खत्म हो गए. बट वेट वेट वेट, और कुछ एक्स्ट्रा बोलने में जा रही हूं, तो मैं कुछ और सिखाने जा रही हूं, वो है कैम. समझा रही हूं ऐसा नहीं है, मैं समझाने जा रही हूं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे. ये एक डिफरेंट टाइप का पाथवे है. अच्छा, ये पाथवे कहाँ पे देखने मिलता है? तो इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन जेरोफाइटिक प्लांट. अच्छा, जेरोफाइटिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट, पता है ना, कि जिस विच रिक्वायर्स टू मच ब्राइट सनलाइट. अगर यहां पे बारिश में इसको रखते हो तो ये सड़ जाएगी, रेन फॉरेस्ट में ये ग्रो नहीं होगी, राइट? देन इट इज ऑब्जर्व इन पाइनएप्पल. ये नीट का क्वेश्चन है. अपोन्शिया, एगेव, कैक्टस, और वी कैन से दैट सक्यूलेंट प्लांट्स, मतलब कि जिसको वाटर कम अवेलेबल होता है. अब ये कैम साइकिल में होता क्या है? तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये जो कैम प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा रिमेन्स क्लोज्ड एंड ड्यूरिंग नाइट स्टोमाटा ओपन्स. देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दिन में स्टोमाटा क्लोज होता है, रात में स्टोमेटा ओपन होता है. इससे क्या होता है? दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. किसके लिए सब प्रोसेस होती है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. अब देखो, दिन में स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा तो वाटर लॉस होगा ही नहीं. सो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दैट सक्यूलेंट प्लांट कैरी आउट दैट पाथवे दैट इज नोन एज अ कैम क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. डन. अच्छा, क्या होता है यहां पे? तो नाइट में CO2 फिक्सेशन होता है. जो पीपी है यूनाइट होती है CO2 के साथ और बनता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड. कौन सा एंजाइम? हमें पता है
पेप्टेज। फिर ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, मैलेट। ये मैलेट एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे, सेल वैक्यूल में। वैसे भी पता ना जो भी सब्सटेंस यूनाइट होते हैं कहाँ पे, सेल वैक्यूल में। अब सेल वैक्यूल में यूनाइट एक्यूमुलेट हो गए तो क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, राइट। क्यों, क्योंकि जब भी सेल में मैलेट एक्यूमुलेट होगा तो वो कैसा बनेगा, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन बनेगा। वैक्यूल के अंदर मोर सब्सटेंस होगे मैलेट के तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। अब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया मतलब कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बाहर कम, तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। अब जब वाटर बाहर से अंदर जाएगी तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। अब जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल के अंदर वाटर एंटर होता है विच क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल, दैट मीन्स कि सेल पूरा फूलेगा, दैट इज नोन एज अ टर्जिडिटी ऑफ सेल इंक्रीज। अब जब टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। बट स्टोमेटा ओपन होता है कब, नाइट में। समझ में आया, डे में क्या होता है, नो CO2 फिक्सेशन, नो मैलिक एसिड, सो स्टोमेटा क्लोज्ड, सो नो वेस्ट ऑफ वॉटर। गॉट इट बच्चा लोग, नो वेस्ट ऑफ वॉटर, ठीक है। सो आई थिंक ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट अच्छा यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन साइकिल किसको बोलते हैं, राइट और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लांट्स में देखने मिलता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं बेटा कि कौन सी ऐसे प्लांट्स है कि जिसमें स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, राइट। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। सो अब हमारा एक ही टॉपिक बाकी है, सो सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय।